आज हम बनाएंगे बूस्ट से चॉकलेट सिरप। तो जो थोड़ा बहुत डब्बे में बच जाता है इसमें मॉइस्चर आ जाता है और वो जम जाता है, तो आज मैं उसी से ही आपको चॉकलेट सिरप बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी डाली, 1/4 कप पानी डाला और जमा हुआ बूस्ट इसमें डाल दीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पे मेल्ट कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन अब से आप फेंके नहीं, इस तरीके से आप चॉकलेट सिरप बना सकते हैं। तो देखिए ये धीरे धीरे मेल्ट हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने चीनी डाली है तो वो जमेगी नहीं। तो अब नींबू का रस डालने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो गैस बंद करके इसको ठंडा कर लीजिए और अब ठंडा हो चुका है तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया। आप देख पा रहे होंगे कितना गाढ़ा बना है ये, बिल्कुल मार्केट वाले चॉकलेट सिरप जैसा। तो अब इसे आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। तो देखा आपने, बूस्ट से ही हमने चॉकलेट सिरप बना के तैयार कर लिया। तो अब आप फेंके नहीं, इस तरीके से चॉकलेट सिरप बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।